नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं हरियाणा का बुलेटिन। खबरों की शुरुआत करते हैं। सीएम मनोहर लाल के प्रैतिक गांव निदाना पहुंचने पर चकबंदी में हुई खामियों पर मुख्यमंत्री से मुलाकात न होने पर नाराज ग्रामीणों ने कैनाल रेस्ट हाउस के गेट के सामने जमकर हंगामा किया। इस दौरान ग्रामीणों ने पुलिस और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हंगामा बढ़ता देख मौके पर पुलिस जवानों को तैनात किया गया। ग्रामीणों ने बताया कि चकबंदी से गांव की जमीन में मालिकाना हक में दिक्कत आ रही है। पहले जमीन और घर किसी के नाम था, लेकिन अब दूसरे के नाम पर चढ़ा दिया गया। ग्रामीणों ने कहा कि इस मामले में पहले भी मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई थी, जिसमें उन्होंने आश्वासन दिया था कि कोई चकबंदी नहीं होगी, लेकिन 12 सितंबर को कुछ अधिकारी पुलिस बल के साथ चकबंदी करने के लिए पहुंच गए। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने गाँव आने पर मुलाकात की बात कही थी, लेकिन अब उन्हें मुख्यमंत्री से मिलने नहीं दिया गया। किलाबंदी की दिक्कत है, घर में रास्ते कटवाओ, प्रशासन बक रहा है। रोत की पुलिस ने नाश कर दिया हमारे काम का, सारे काम उठवा रहे हो? हाँ, सारा काम। सीएम मिला नहीं आपको? सीएम नहीं मिला, हिंदी झूठा आश्वासन दे दिया एसपी साहब ने। मिलेगा मिलेगा, इमरान दुरान फरान माटी के थी। देख, 200 साल के आदमी समस्या किलाबंदी की है जी। 6 साल हो गए, धक्के खान लाग रहे। कोई खेत किससे का ला दिया, कोई किससे का ला दिया जी। नून तो बदल बदल कर रखा है जी, जगह बना रखी, उन मगर रास्ते काट रखे जी। नहीं मिले जी, मिलन खतरे आए जी। एसपी साहब ने नुकदी मिलेगा मिलेगा मिले।